सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मन्ये तदर्पित मनो वचन। मैं ऐसा मानता हूं जिस स्वपच भक्त ने अपने मनवाणी क्रिया से आपका आश्रय ले रखा, आपके चरणों में अपना सर्वस्व निवेदन कर दिया है, वह शरणागत भक्त स्वपच स्वयं भी आपकी शरणागति के बल से पवित्र हो जाएगा, अपने कुल को भी पवित्र कर देगा। किंतु यदि ब्राह्मण बारहों गुणों से अलंकृत होकर भगवान की भक्ति से विमुख है तो उसके अहंकार का नाश तो होगा नहीं, वो स्वयं भी डूबेगा और अपने कुल को भी डुबो देगा। अब हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रहलाद जी के कहने का आशय क्या है? नहि निंद्या निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तौतुम। विधेय की स्तुति में तात्पर्य है, ब्राह्मण की उपेक्षा नहीं है यहाँ, ये है कि भक्ति के कारण स्वपच कुलोत्पन्न व्यक्ति भी पूज्य हो जाता है, आदर का पात्र हो जाता है, तो किम पुनर्ब्राह्मणाः। तो ब्राह्मण भगवान का भक्त हो जाए तब तो क्या कहना। भैया, आचार्य कोटि का भक्त होता है ब्राह्मण। श्री शंकराचार्य विप्र कुलोत्पन्न है, श्रीमन मध्वाचार्य विप्र कुलोत्पन्न है, श्री निम्बार्काचार्य विप्र कुलोत्पन्न है, श्री रामानंदाचार्य विप्र कुलोत्पन्न है, श्री विष्णु स्वामी आचार्य विप्र कुलोत्पन्न है, श्रीमद वल्लभाचार्य चरण विप्र कुलोत्पन्न है, श्रीमद चैतन्य महाप्रभु पवित्र कान्यकुब्ज विप्र कुल में उत्पन्न हुए हैं। अब हम कितनों के नाम गिनावें, आचार्य कोटि के सभी दिव्य महापुरुष वो विप्र कुल को धन्य कर रहे हैं, क्योंकि आचार्यत्व ब्राह्मण में जन्मजात होता है। किंतु भगवान की भक्ति न होवे, चौका लग गया। शास्त्री जी से पूछो, मथुरा के ब्राह्मणों ने कह दिया, धिग जन्म नस्त्रवृत विद्याम धिग व्रतम धिग भोग्यतम धिग कुलम धिक क्रिया दाक्ष्यम विमुखा ये त्वधोक्ष। और ये ब्राह्मणीय नासान द्विजाति संस्कारो न निवासो गुरावपी, लेकिन धन्य है ये कृष्ण भक्ता हैं, इनका सब कुछ धन्य है। आहा, ब्राह्मण सब कुछ करते एक काम नहीं करते, इसलिए भक्ति प्राप्त नहीं। क्या उनको कथा सुनने की फुर्सत नहीं? और ये बिचारी मथुरा की ब्राह्मणियां कुछ नहीं करती है, पर भले ही मालिनों के माध्यम से ही कृष्ण लीला का श्रवण करती है, इसलिए उनके भीतर अनुराग प्रकट हो गया। भैया, संध्या करो, तर्पण करो, गायत्री जप करो, अग्निहोत्र करो, वैदिक धर्म का पालन अवश्य करो, वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए कथा कीर्तन सत्संग को प्रधान मान करके, और उसकी जोड़ का कोई साधन नहीं है ऐसा भीतर से स्वीकार करके, ये सब भगवान की आज्ञा है इसलिए हम कर रहे हैं, भगवत मुखोल्लास के लिए कर रहे हैं, वस्तुतः हमारे कल्याण के लिए तो भगवान का नाम ही पर्याप्त है।